कैसी फीलिंग आ रही है? सबसे पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जैसे कि सभी को फील होता है, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि गणू जी मेरे घर पे भी आए हुए हैं यहाँ, और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद हर साल जैसे कि वो देते हैं, और मुझे बहुत शौक है हमेशा से ये सब मतलब करने का, भगवान के बहुत करीब रहने का। और जहाँ तक बात है कि ढोल थाली और ये सब, मैं जब जितने घंटों से ये चीज़ सुन रही हूँ, बस मैं उतने घंटों से नाच ही रही हूँ यहाँ पर। इवन मैं अपने घर में भी खुद ही थाली बजा कर, जब मैं इनको विराजमान कर रही थी और ये सब हुआ, तो मैं खुद ही डांस कर रही हूँ। आई एम वेरी मच मैड अबाउट दीज ऑल थिंग्स। यू इवन मैड अबाउट डांस? यस आई एम। जब भी गणपति आते हैं तो वो गणपति वाला डांस सबका फेवरेट होता है ऑब्वियसली, और मैं कभी उस मौके को मिस नहीं करती कि मैं उस डांस को करना छोड़ दूँ जो कि मैं उनके लिए करने वाली। अच्छा, आप गणपति को कितने सालों से विराजमान करती हैं? मैं लास्ट 3 ईयर्स से विराजमान कर रही हूँ, और आगे भी हमेशा ही करूँगी, बस उनका आशीर्वाद बना रहे, वो हमेशा मेरे घर आते रहे। गणपति के डेकोरेशन के बारे में थोड़ा बताइए। काफ़ी स्वीट, सिंपल और एलिगेंट सा डेकोरेशन आपने किया हुआ है। एक्चुअली ना मुझे बहुत शौक़ है सब चीज़ें खुद करने का, तो मैं घर में घुसते कि सब चीज़ें मैं करूँगी, कोई नहीं करेगा, मैं उस सॉर्ट की हो जाती हूँ। जब गणपति जी आते हैं तो रात को 3 बजे तक जग के मैंने ये थोड़ी बहुत मेहनत करी है, ज़्यादा तो नहीं कर पाई, बट जितना भी मैंने किया बहुत दिल से किया, और जितना वो मुझसे करवाना चाहते थे मैंने बिल्कुल उतना ही किया। और जहाँ तक डेकोरेशन में मुझे जितना समझ आया कि मैं कर सकती हूँ, स्वीट, सिंपल एंड एज यू सेड एलिगेंट, तो मैंने उसको करने की कोशिश करी। एंड आपको अगर अच्छा लगा है तो थैंक यू, बस उनको अच्छा लगना चाहिए क्यों मुझे आशीर्वाद देते रहे। अच्छा, आशीर्वाद में मतलब अब हम देख रहे थे काफ़ी सारी प्रेयर्स आप कर रही थी, आप गा भी रही थी एक दो प्रार्थनाएं, तो आपको कितनी प्रेयर्स आती है और क्या क्या मांगा है? प्रेयर्स तो लाइक मैं करती रहती हूँ, जैसे मम्मी ने मुझे सिखाया है सब, गणपति जी का सॉन्ग एंड देन ओम आरती एंड एवरीथिंग, तो मामा के थ्रू मुझे ये सब चीज़ें तो आती हैं। और जहाँ तक प्रार्थना की बात, तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी विशेस मांग रखी है, बट स्पेशल विश है कुछ कुछ तो 100% शायद वो पूरी करते हैं मुझे। गणपति के घर आते ही ऐसे माना जाता है कि काफ़ी शांत माहौल हो जाता है, काफ़ी घर पवित्र हो जाता है, तो आप उन चीज़ों में क्या बिलीव करते हैं? बिल्कुल, बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि अगर वो आ गए हैं आपके घर में खुद चलकर, तो आपका घर उतना ही पवित्र हो जाएगा जैसे कि आप मंदिर में जाके खुद को प्योर सोल फील करते हैं। और जब वो घर में आ जाते हैं तो घर की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं ऑब्वियसली वो अपने आप बाहर हो जाती हैं, और आप खुद ही अंदर से खुश फील करने लगते हैं, जो कि मैं कर रही हूँ। मेरे घर का माहौल और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइक डायरेक्शंस में आ गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यही हर साल होता रहता है। तो एक साल के लिए जब वो 1.5 दिन आते हैं तो 1 साल को पवित्र करके जाते हैं, फिर तो गड़बड़ मैं कर देती हूँ या कुछ हो जाती है घर में, देन नेक्स्ट टाइम उनको फिर हम लेके आ जाते हैं। मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गणपति बाप नहीं, क्योंकि मुझे लगता है यार नहीं हो रहा है, बट वो कहते हैं होगा, करने की कोशिश करो तो होगा, तो बस मैं आऊँगा ना, मैं सब ठीक करूँगा, तुम कर लो, तुम जितनी गलतियाँ करनी है, तो इट्स लाइक हाँ वो हैं, वो कर लेंगे, करते रहो जो कर रहे हो। अच्छा, एक बॉन्ड जैसा हो जाता है जब गणपति आते हैं, हमने लिटरली देखा हुआ है कि आर्टिस्ट होते हैं या फिर जो लोग होते हैं वो रोते हैं जब विसर्जन होता है, तो आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? मेरे साथ मैं आपको बता रही हूँ, कल मैं जब से सुन रही हूँ ना ये, तब से ऐसा लग रहा है कि बस खुद को भूलकर जोर जोर से नाचना रोड पे शुरू कर दूँ, और जब ऐसा कुछ फील होता है ना मुझे, मैं अपने आप लाइक टीयर्स यू नो केम इनटू माय आईज अपने आप होने लग जाता है। और फिर जितने टाइम वो मेरे पास रहते हैं, साथ रहते हैं, लाइक आई नेवर ईट जब तक उनको भूख नहीं लगेगा, और जब उनको लेके जाते हैं तो मैं नहीं देख पाती हूँ, तो मेरी मम्मा ही इवन जब वो जाते तो लेके जाती हैं, मैं देख ही नहीं पाती उनको जाते हुए, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं मुझसे हमेशा, हर प्रेयर में हर जगह, लाइक मैं बहुत मानती हूँ गणपति जी को, तो एक सोच सकते हो कि लाइक अ बेबी आई यूज टू ट्रीट हिम। अच्छा अशमा जी, हम अब आपकी बात करें थोड़ी, तो हमने सुना है आपका कोई कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लाइनअप पे हैं। है तो सही, उनकी आशीर्वाद, मैंने बोला ना हमेशा आते तो पॉजिटिव कुछ कुछ करके जाते हैं, तो है तो सही, जस्ट लेट इट बी सीक्रेट बिकॉज इट्स अ बिग वन, और शायद जितने देख रहे हैं उन सबका आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स का सबका आशीर्वाद है, और हमारे गणपति जी जैसे कि गणू जी आए हैं, उन्होंने मुझे शायद कहीं ना कहीं बख्शीश दी है कि मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ वो देते रहते हैं आशीर्वाद के रूप में, बस वो हमेशा मेरे साथ हैं, इसलिए लेट इट बी सीक्रेट। 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बट जैसे ही वो सबके सामने आएंगे सबको पता चल जाएगा। अच्छा, लास्ट में कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही दूंगी कि जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सब भी जो भी अपने प्रॉब्लम्स में हैं, जो भी दुख में हैं, वो एक बार
ट्राई करके ज़रूर देखिए। गनु जी सबकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, और भगवान में जो विश्वास नहीं करते शायद वो इसके बाद करने भी लग जाएंगे। बस गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू।